ओम शांति। आज प्रैक्टिकल में सारा दिन आप सभी के लिए एक होमवर्क है। आज का पूरा दिन आपको यह चेक करना है कि हर कर्म के साथ मेरी योगयुक्त स्थिति, मेरी सर्वगुण सर्वशक्तियों के प्रयोग की स्थिति कितनी रही। पूरा अटेंशन देकर अब इसका मैं आपको विधि बताता हूं कि कैसे करेंगे हम ये। आज आप ना कुछ प्रैक्टिकल चीज करो, कुछ पेपर ले लो, ठीक है, और उन पेपर का बिल्कुल ही चिंता मत करो कि कौन आपका मजाक उड़ाएगा। देखो मजाक उड़ेगा जो आप ये चीज करोगे ना, मजाक उड़ेगा, लेकिन सवाल ये नहीं है कि मजाक कोई किस बात का उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा आपके एक्ट का, लेकिन सवाल ये है कि उस एक्ट का जो परिणाम में आपका मन बिल्ड होगा, जो आपका संस्कार बिल्ड होगा, उसका एंजॉयमेंट कौन उठाएगा? आप। हंसी किसी की टेम्परेरी होगी, मजाक किसी का टेम्परेरी होगा, और आपको किसी के हंसने से या किसी के मजाक उड़ाने से यदि खराब लगता है तो यह पहचान है देह अभिमान की। सपोज कोई आपको कहता है, ओहो आजकल तो बड़े पुरुषार्थी हो रहे हो, ओहो आजकल तो बड़े तेज है, तुम क्या बोलते हैं? ना 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 ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बोलते ना, नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। अरे बोलना चाहिए, हाँ मैं ऐसा अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूं, थैंक यू, आपने नोटिस किया। देखो चुप हो जाएगा उसी पर, और जितना बचने की कोशिश करेगा वो ज्यादा मजाक उड़ाएगा। मेरे को तो कब कोई कभी कभी कोई बोलता है ना, अरे भाई आप किसी तो बहुत अच्छी, हाँ है बताओ, थैंक यू, अच्छी बात है आपने नोटिस किया, मैं यही तो चाहता था कोई नोटिस करे मेरी स्थिति को, प्रॉब्लम क्या है? प्यारे बाबा कहते जो आत्मा स्वमान में नहीं रहती है ना, वही आत्मा किसी की तारीफ को सुनने के बाद नम्र दिखने की कोशिश करती है। अंदर में तो लड्डू फूट रहे होते हैं, वाह मेरी तारीफ हो रही, बाहर दिखाते रहते हैं, नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, बस सब ठीक है, बाबा करान। सबसे पहले कुछ भी कोई आपके बारे में अच्छा बोल रहा है ना, थैंक यू बोलो, थैंक यू आपने नोटिस किया, लेकिन थैंक्स भगवान का जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि आप नोटिस कर पाए। मना मत करो कि आप में वो नहीं है, अगर नहीं नहीं करोगे ना तो वो चीज कभी आपके जीवन में आएगी ही नहीं, यू विल नेवर गेट। तो सबसे पहला सूत्र सीख लो, स्वीकार कर लो। कोई कहता है आप में ये गुण है, ओ थैंक यू वेरी मच, आपने इसका अनुभव किया, गुड, थैंक यू बाबा, आपने मेरे द्वारा इस आत्मा को इस गुण की अनुभूति कराई, तुरंत ये बात बोलो, ये लर्न करो। इस बात को जितनी बार आप रिपीट करोगे ना, आप देखना आपका नेचुरल संस्कार बनता जाएगा। मैं इनकी बहुत प्रैक्टिस करता हूं, बहुत, मैं अपने जीवन के हर पल पर, जब भी कोई मेरे से कोई व्यवहार करता ना, मेरे से कोई कॉल पर भी बात करता है ना, और कॉल पे बात करते करते वो वाले मेरे बारे में कुछ अच्छा कहता भी है, मैं उसको थैंक यू बोल देता हूँ, ओ थैंक यू गुड। मैं कभी नहीं कहता ना 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 मेरे में ऐसे नहीं, क्यों नहीं, भगवान बना रहा तो होना चाहिए ना भाई, सामने वाले नोट किया है इसका मतलब भगवान ने मुझे बनाया है। अच्छा कोई आपको लग रहा है कि वो कमेंट भी मार रहा है, तब भी आप स्वीकार कर लो, अच्छी बात, अच्छी चीज तो देख रहा है, कमेंट में अच्छा ही तो बोल रहा है, बुरा तो कुछ बोल नहीं रहा। अच्छा फिर दूसरी बात, जब आप ये एक्ट करोगे तो कुछ लोग हंसेंगे, तो आपको क्या सम्मान देना है खुद को, थैंक यू बाबा आपने मेरे द्वारा ये एक्ट करवा के कम से कम इसके चेहरे पे खुशी तो लाई,
नहीं तो ये तो बेचारा हंसना ही भूल गया था। कभी कभी हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, हम खुद को इतना पर्सनलाइज ले लेते हैं कि कोई भी इंसान की हर एक्टिविटी हमें हर्ट कर रही होती है। आज से पहला सिद्धांत जीवन का, अगर आपको ग्रोथ करनी है, हर्ट होना बंद कर दीजिए। नेवर गेट हर्ट विद एनीथिंग एनीवन। कोई कुछ भी कह दे, आपको उसको सकारात्मक लेना है। आपको सीधा बोलना है, वाह थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई आप में कमी नोट करे, आप में ना ये बहुत बड़ी भारी कमी है, ओ थैंक यू सो मच, आपने मेरा ध्यान खिंचवाया, आई विल इंप्रूव माई सेल्फ। रोना किस बात का है? मैं तो, पता है, जब भी कोई मेरे बारे में कुछ बोलता है ना, तो मैं भगवान बोलता हूँ, थैंक यू भगवान, आपने मुझे फ्री के कोच दिए हुए हैं जिन्हें मुझे पे नहीं करना पड़ता है ना। कोई मेरे को बोलता, आप में ना ये बड़ी भारी कमी है, ओ थैंक यू सो मच, आपने मेरा ध्यान खिंचवा दिया, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लूंगा। और मैं भगवान को थैंक यू कहता हूँ, थैंक यू भगवान, आपने ये दूत भेजा मेरे पास में, है ना, जो मेरे देवता बनने में सहयोगी है, जिसने मुझे बताया कि मेरे देवता बनने में भी किस चीज की कमी है। देखो कितना अच्छा लगता है, उस आत्मा के लिए भी दुआ निकल गई। और कुछ तो इरिटेट होते हैं, ओ तुम्हें तो बस कमी दिखाई देती है ना, कुछ तो ऐसे भी ना बोल देते हैं, तुम्हें तो बस हर समय मुझ में कमी दिखाई देती है, अच्छा तो कुछ दिखता नहीं है। कभी डिफेंस मत करो, जब भी कोई आपके कमी का बता दे, ओ थैंक यू सो मच, मैं जरूर ध्यान रखूंगी आगे से, अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो डेफिनेटली आई विल चेक माई सेल्फ एंड आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं खुद को चेक भी करूंगी और इम्प्रूव भी करूंगी। इसे कहते हैं सकारात्मक पुरुषार्थी। अच्छा एक बताओ, आप, उसने कहा कि आप में ये है और आप बचाव करने लगे, जस्टिफाई, नहीं 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 ऐसा कैसे, ऐसा तो मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा। अब क्या होगा, अब सामने वाला प्रूव करने में लग जाएगा कि आप में ये कैसे कैसे है। तो आपने क्या कर दिया, नेगेटिव कन्वर्सेशन को बढ़ाने का मादा, मतलब मुद्दा बना दिया। एक हल्की सी बात थी, उसको आपने पूरा एक मुद्दा बनाकर रख दिया। अब उसके संकल्प भी चल रहे हैं कि वो कैसे प्रूव करे कि आप में ये कमी है, और आपके संकल्प चल रहे हैं कि आप कैसे खुद का बचाव करें कि आप में कमी नहीं है। तो क्या हुआ, इतनी देर तक बाबा याद आएगा? एक लगा पड़ा रहेगा अपने आप को बचाने में, दूसरा लगा पड़ा रहेगा आपको गलत साबित करने में। तो आपने खुद का युग तो खराब किया ही किया, सामने वाले का भी खराब करवा रहे हो, उसको ज्यादा देर तक मजबूर कर रहे हो। हाँ तू बस गाली गलौज के चक्कर में लगा रहे, तू मेरे को प्रमाणित करता रहे कि मैं कितना बुरा हूं। और कहां फोकस होगी दोनों की ऊर्जा, बुराई पे। अच्छा अब बेहतर क्या है, मैंने कहा सपोज करो मैं यहाँ पे किसी बहन को बोलता हूँ, मैं लोपा बहन को ही बोलता हूँ, लो बहन आप में ना ये वाली कमी बड़ी भारी कमी है, ये ठीक चीज नहीं है। आप सपोज करो लोपा बहन ने कहा, हाँ भाई मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी, बस थोड़ा सा मुझे ये और बता दीजिए कि आपने ये मेरे से कैसे कैसे नोट करिए ताकि मेरा ध्यान चला जाए और मैं अपने को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू, आपने मेरा ध्यान खिंचवाया, आप मेरे सबसे बड़े वेल विशर हो और मैं अपने को इम्प्रूव करूंगी। कन्वर्सेशन खत्म ही। अब मेरे मन में जो विरोध आ रहा होगा, जिस गुस्से से मैंने बोला होगा कि तुम्हारे में कमी है, ठीक है, तो अब जैसे ही उन्होंने स्वीकार कर ली कमी, तो स्वीकार करते ही क्या हो गया, अब मेरा जो गुस्सा था वो शांत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने इतना सम्मान दे दिया मुझे, मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल हो सकती है, अगर आपने नोट करी है तो आप मुझे बताओ कहाँ पे कैसे, बाकी वरना तो फिर मैं खुद चिंतन करूंगी कि मेरी ऐसी कौन सी बात के कारण से आपको ये चीज लगी। अब मेरे हृदय में क्या 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 पैदा हो जाएगा लोपा बहन के प्रति, सम्मान और प्रेम। बोला देखो कितनी अच्छी बहन है, मैंने कमी बताई उसने तुरंत स्वीकार कर ली, कोई विरोध नहीं किया, कितनी अच्छी है ये। अब जैसे मेरे हृदय से ये निकला, है ना, जो आपकी बुराई करने आया था, जब उसके हृदय से भी निकलता है कि आप बहुत अच्छे हो, तो उसकी भी शुभ भावनाओं का जो फल है ना, वो आपके पुरुषार्थ में जुड़ जाएगा और आपका पुरुषार्थ और ऊंचा उठ जाएगा। ये साइंस है पुरुषार्थ की। और अगर आपने विरोध किया तो आप मुझे क्या करोगे, और एंटी करोगे, अब मुझे आप और एग्रेसिव करोगे, अब आप मुझे मेरे क्रोध के भाव को जगाओगे, मेरे बुरे भाव जगाओगे, मैं आपके बारे में गलत गलत चीजें सोचूंगा, साबित करने के चक्कर में जाऊंगा, देखो ऐसा किया तुमने, वहां पे ऐसा किया, वहां पे ऐसा किया। अब क्या हो रहा है, अब मेरे पुण्य का बल नहीं मिल रहा आपको,
अब मेरे शुद्ध संकल्पों का बल नहीं मिल रहा है आपको। समझिए आप ध्यान से इस बात को। तो आपको क्या चाहिए? इसी को बाबा कहते हैं दुश्मन से भी दुआ ले लेना। अगर आपको दुश्मन से भी दुआ लेनी है ना, तो क्या करो, स्वीकार कर लो। एक्सेप्टेंस एक ऐसा गुण है जिससे आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हो, दोस्तों को अपना भाई बना सकते हो। इतना अपनापन है एक्सेप्टेंस। अच्छा, आप सवाल ही आ गया, चलो किसी ने कह दिया कि आप में कमी है और आपको पता है कि आप में नहीं है और आपने स्वीकार कर लिया, तो कौन सी बुरी बात हो गई? कहीं ना कहीं अंश मात्र होगी। अब और इंप्रूव कर लेना, अगली बार थोड़ा और ध्यान दे लेना, ताकि जिस आत्मा ने ये फील किया उसको और फील ना हो। हम तो इंप्रूव होने के प्रोसेस में ही है ना, या हो गए इंप्रूव? तो कोई आके अगर इंप्रूवमेंट बता रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है? भाई मुझे तो पक्का वाला देवता बनना है, मुझे तो ऐसा वाला देवता बनना है कि कोई भी आए मेरे मंदिर पे उसका सिर झुक जाना चाहिए। और सामने वाला आके मुझसे शिकायत कर रहा है कि भाई आप ऐसे नहीं हो, तो अभी तो मुझे और इंप्रूव होना है ना। खत्म बात। तो आपको क्या करना है आज, जो मैं बात कर रहा था, छोटे छोटे ना स्लिप बना लेना, और जहां जहां आपकी नजर जाएगी आज दिन भर में, आप अपने वॉशरूम में, अपने किचन में, अपने बेडरूम में, है ना, जहां भी आप जाएंगे और जो भी आप देखेंगे, करके देखना आप, आपको आनंद आ जाएगा इस चीज को करने से। मैं तो क्या किया करता था कि बहुत पहले मैंने ये अभ्यास किए हैं, तो मैं क्या करता था, मैं जब पढ़ाई बहुत करता था तो मैं ना अपनी हर किताब में चिपका देता था छोटी छोटी सी पर्चियां। और क्या चिपका देता था, कैसे मैं बताता हूं, कि कोई भी आप कर्म करने जा रहे हो, सपोज आप भोजन बनाने जा रहे हो किचन में, तो किचन में सामने स्लिप का लगा दो, आज मैं कौन सी आत्मा हूं, आज मुझे भोजन कौन सी स्मृति में बनाना है, किस गुण से मुझे पूरा भोजन बनाना है आज का। हर रोज की स्मृति चेंज कर दो, डेली एक छोटी स्लिप लगाई, सामने लगा दी और वो देखनी है, और बार 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 उसको पढ़ते रहना जितने समय तक खाना बनाना है। और स्मृति कैसे लगानी है, स्मृति ऐसे लगानी है, केवल संकल्प नहीं होना चाहिए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, नहीं, थोड़ा डिटेलिंग करके लगानी है, मैं शांति की देवी, शांति सागर की स्मृति में, ठीक है, इतना प्यारा भोजन बना रही हूं कि इस पूरे भोजन के कण कण में शांति समा गई है, और जो भी आत्मा ये भोजन कर रही है उसका हृदय, उसका मन, उसकी कर्मेंद्रियां शीतल और शांत बन गई हैं, थैंक यू बाबा करके ये थॉट लिखो। और जितनी देर तक भोजन बना रहे हो किचन में, इस थॉट के लिए टारगेट बनाओ कि मुझे इसे पढ़ते पढ़ते ही बनाना है, और कुछ मुझे याद ना आए, मुझे बाबा याद आया नहीं आया मेरी बुद्धि में, कुछ और नहीं, केवल ये संकल्प मेरी बुद्धि में टिकना चाहिए, क्योंकि हर संकल्प में बहुत हाईएस्ट ऊर्जा होती है। वो सारी ऊर्जा आपके हाथों से, आपके स्वरूप से, उस पूरे वातावरण को चार्ज करती रहेगी। और क्या होगा, एक संकल्प को, समान को डिटेल में बार बार याद रखना आसान होता है, बजाय कि मैं बाबा की हूं, बाबा मेरा, थोड़ी देर बाद फिर खाने में आ गए, रोटी कहाँ है, बेलन कहाँ है, चकला कहाँ है, इस चक्कर में पड़ गए, और फिर क्या होगा, बाबा गायब। लेकिन उस संकल्प को बार बार दोहराने से क्या होगा, वो संकल्प कंटिन्यू माइंड में चलता रहेगा। इससे आप सोचोगे क्या इससे बाबा याद रहा, यस, मैं हमेशा कहता हूं यदि बाबा की शिक्षा याद है माना बाबा याद है। व्यक्ति याद नहीं होता है, व्यक्तित्व याद किया जाता है। ऐसे ही वॉशरूम के अंदर भी आप जा रहे हैं, वहां पर भी क्या करना है, जैसे बाबा था, ब्रह्मा बाबा था, जब नहाने जाता था तो क्या बोलता था, मैं शिव पे लोटी चढ़ा रहा हूं, क्या बोलता था, मैं शिवलिंग पे लोटी चढ़ा रहा हूं, क्योंकि शिव बाबा सदा रहता था ना, बाबा
कहता है मेरी भ्रुकुटी में शिव बाबा है और मैं उस पर लोटी चढ़ा रहा हूं। तो जो हम भी स्नान करें तो हम भी सो सकते हैं, मैं देवी को नहला रही हूँ, देवता को नहला रही हूँ, या शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूं और मैं भी शिव पे लोटी चढ़ा रही हूं, क्या बुराई है? सोचो। तो मेरा नहाने का समय भी क्या हो जाएगा? स्मृति स्वरूप हो जाएगा। केवल थॉट, 4-5-10 बार वो थॉट दोगे, वो नेचुरल होना शुरू हो जाएगा, बाद में ना वो मंत्र की तरह चलना शुरू हो जाएगा मन में कुछ दिन के बाद। उसके बाद अपना एक ऐसा चार्ट बनाओ, मुझे किस किस आत्मा के संपर्क में आना है आज, जिन जिन आत्माओं के संपर्क में आना है उस हर आत्मा में कौन सा गुण देखूंगी आज मैं, क्योंकि मेरा कन्वर्सेशन क्या रहने वाला है, आपके बच्चे से आपका कन्वर्सेशन क्या रहने वाला है, तो कौन सा गुण प्रयोग करेंगे आप, कौन सी शक्ति प्रयोग करेंगे आप, उसकी एक लिस्टिंग करो। इसे कहते हैं अपनी दिनचर्या सेट करना। बाबा कहते ना दिनचर्या सेट करो, ये होता है दिनचर्या सेटिंग। दिनचर्या सेटिंग ये नहीं होता इतने बजे से इतने तक ये काम करूंगी, फिर ये मुरली सुनूंगी, फिर इतने मिनट योग लगाऊंगी, इसे नहीं कहते दिनचर्या। दिनचर्या माना दिन में चल क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, कर्म क्या चल रहा है, सो वो कर्म किस स्मृति में चलने वाला है, दैट्स इंपॉर्टेंट। आप समझ पा रहे ना मेरी बात, मैं आप तक पहुंच रहा हूं, आप सबका जरा हाथ हिला के बताओ मेरी बात क्लियर हो रही है ना? तो आपको लिख के हर जगह पर अपने पास में लगा देना, बेडरूम में आपको लगाना है कि अब मैं सोने जा रही हूं आत्मा, सामने लिख के, और लिख के लगाओगे तो ध्यान जाएगा ही जाएगा। अगर आपको वैसे बाबा याद आता हो नहीं आता हो, लेकिन आपने लिख के लगाया है ना, तो क्या होगा, ध्यान जाएगा ही जाएगा। अब टीचर टेबल बैठ रहे हो वहां पर अलग चिट लगा दो, बेड के सामने अलग चिट लगा दो, बाथरूम में अलग चिट लगा दो, ड्राइंग रूम में अलग चिट लगा दो, हर जगह पर आपको देखना कि मुझे कर्म कौन कौन से करने हैं। और उस एक बात और याद रखिएगा, आपका हर कर्म किसी ना किसी स्थान से बंधा हुआ होगा, उस स्थान पर आपको कोई ना कोई निशानी लगा देनी है, जिससे कि आपको उस संकल्प पर क्या थॉट क्रिएट करके रहना है वो याद आ जाए। एक दिन करके देखो आप, आपको शाम तक ना इतना आनंद आएगा ना, आप बोलोगे क्या आनंद आ गया आज, क्योंकि हमें हर श्वास में बाबा लाना है, बाबा की शिक्षा लानी है, एक भी श्वास व्यर्थ ना जाए। सोचो जिस समय मैं श्वास व्यर्थ गवा रहा हूं और उसी समय मेरी मृत्यु हो जाए, तो गीत है ना, ऐ श्वासों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है, किसी काम की नहीं। ठीक, तो आज ये पुरुषार्थ आप प्रोजेक्ट में लें, इससे आपको ये पता भी चलेगा कि मुझ में कहां कहां पर डिफेक्ट है। अच्छा एक बात और देखिएगा, आपने जहां पर जो चीज लगाई, थॉट लगाया, उसको कितनी इंटेंसिटी से आप दोहरा रहे हो दिन भर में, ये आपके लिए ना बहुत ही एक बहुत अच्छी, और इससे ना आप दूसरे लोगों को भी शिक्षा दोगे, भले वो लोग मजाक उड़ा रहे होंगे पर उनको आप लग रहा होगा यार ये कितना, मतलब अपने आप को सुधारने के लिए ये कितना लगनशील है। तो आपने दूसरों को ये प्रेरणा भी दी कि हम गुणवान चरित्रवान बनने के लिए बहुत ही ज्यादा लगनशील है। ये समझ लो, ठीक है, मंजूर सबको, गुड। चलिए अब किसी को कोई सवाल पूछना है, हैंड रेज करो, किसी को मन में कोई सवाल हो पूछने के लिए। कोई भी सवाल, जी ममत बहन बोलो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। भाई जी मोस्टली हम ज्यादातर फोन इस्तेमाल करते हैं, बात बात पे करते हैं, जल्दी जल्दी से करते हैं, तो उस समय के कुछ थॉट पावरफुल बताओ जिससे मैं उस पे किस तरह से करूं फोन पे। देखिए दो चीजें हैं, फोन का इस्तेमाल ना बहुत ही पॉजिटिव भी है और बहुत नेगेटिव भी है।
दो चीजें फोन स्कूल से संबंधित नहीं। जब हमारे पास में जो फोन का जो इस्तेमाल है, यदि फोन मेरा एडिक्शन बन रहा है, एडिक्शन का मतलब क्या है, बात बात में बस फोन देखते रहना, चीजें करते रहना, कभी व्हाट्सएप देखना, कभी फेसबुक देखना, मतलब ध्यान जा रहा है बार बार फोन की तरफ ही जा रहा है ध्यान, इसका मतलब है फोन मेरा एडिक्शन बन गया है। ठीक, तो मुझे ये बात समझनी है, एक थॉट आपको देना है, साधन मेरे लिए बनाए गए हैं, मैं साधनों के लिए नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात आपको याद दिलानी है, साधन विनाशी हैं, साधन विनाशी हैं, ये डिटोरिएट होंगे, तो इनको मेरी भाव और भावनाओं में शामिल नहीं होना चाहिए, अर्थात इन पर मेरी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डिपेंडेंसी होगी तो चेक करो, जब फोन मुझसे दूर रहता है दर्द होता है तो चेकिंग हो गई, हाँ दर्द होता है तो इसका मतलब है कि मैं इस पर डिपेंडेंट बन गई हूं। तो अब अभ्यास करना है कि कुछ कुछ घंटों के लिए फोन को अपने से दूर कर देना है, ध्यान जाएगा किसी कॉल आ रहा है, आने दो, नहीं उठा। मैं इसकी प्रैक्टिस दिन में कुछ समय पर करना शुरू किया, मैंने क्या किया, मैंने फ्लाइट मोड पर डाला, फोन अलग रख दिया। अब क्या होगा, अगर किसी कॉल करना भी होगा कुछ घंटों में, ठीक है वो मैसेज में अलर्ट आ जाएगा, बाद में कॉल कर लेंगे। और दूसरी एक बात अपने मन में पक्का कर लो, जो कुछ भी जिसके साथ होना होगा उसे आप फोन उठा के भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हम कोई अलादीन के चिराग नहीं है कि किसी के साथ कुछ समस्या आ रही होगी और हम फोन उठाएंगे और बस वो चिराग को रगड़ेगा फोन रूपी को और हम तुरंत फोन में प्रकट हो जाएंगे और हम जाके कुछ कर देंगे, नहीं। आप फ्लाइट मोड पर फोन डालने से पहले बाबा को शुद्ध संकल्प दे दो, बाबा अब जिन आत्माओं को भी मुझसे संपर्क करना है वो टेलीपैथी से करें, यानी वो संकल्पों से करें। अब ये निश्चित होगा जब आपके पास किसी का तीव्र संकल्प आएगा ना, आप देखना फोन आपसे अपने आप ऑन हो जाएगा। मेरे साथ तो कितनी बार ऐसा, मैं आपको किसे सुना सकता हूं कि मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया और किसी आत्मा ने फोन किया है, उसको बहुत अर्जेंसी है, मैंने ठीक उसी टाइम पे फोन ऑन किया है, देखा तो उनका मिस कॉल अलर्ट उसी टाइम का ही है एग्जैक्टली, और उनको कॉल किया, वो किसी सिचुएशन में थे, उनकी मदद हुई और ठीक हो गए। इसे कहते हैं योग युक्त स्थिति की तरफ जब आप बढ़ रहे होंगे। तो अभी धीरे धीरे हमारी, अच्छा ये हमेशा नहीं होता, हमारे साथ भी गड़बड़ होती है, लेकिन हमने देखा जिस दिन योग की स्थिति बहुत अच्छी होती है उस दिन ऐसा होता है। यानी कि बाबा ये संकल्प देता है कि बच्चे जब तुम याद स्वरूप रहोगे ना तो तुम्हारा हर कर्म एक्यूरेट हो जाएगा, तुम्हें समय पे याद आएगी, समय पे तुम्हारा संकल्प चलेगा, समय पर तुम्हारी दुआ पहुंच जाएगी, समय पर किसी को मदद मिल जाएगी, समय पर तुम्हें सहयोग मिल जाएगा, सब कुछ समय पर होगा क्योंकि समय तुम्हारी रचना है। अगर मेरे काम समय पर नहीं हो रहे हैं ना, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं साधनों पर डिपेंड हो गई हूं और साधना कमजोर हो गई है। याद रखना इस बात को, यदि मेरे कार्यों में एक्यूरेसी नहीं आ रही है, इसका एकमात्र कारण है मैं साधनों पर डिपेंड हूं, साधना पर नहीं। ठीक है, तो जब भी फोन का इस्तेमाल करें तो आपको यह बात रखना है याद कि यह सिर्फ मुझे सेवा के लिए मिला है, सिर्फ सेवा के लिए। और वो सेवा का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ लोग सेवा होता है क्या समझते हैं, किसी को ज्ञान सुनाना, किसी को मुरली भेज देना, मतलब 90% आत्माओं को मैं देखता हूं वे तो टेक्नोलॉजी को सेवा का मतलब समझते हैं, फेसबुक पे मुरली डाल देना, कोई वीडियो भेज देना, कोई ये सेवा नहीं है, ये संदेश है। बड़े कंफ्यूज है लोग, उन्हें सेवा का और संदेश का अंतर तक नहीं पता है, वो संदेश देने को ही सेवा समझ रहे हैं। संदेश देना सेवा का बहुत छोटा सा हिस्सा है, सेवा का एकमात्र अर्थ है सुख देना। आप ये चेक करो, कुछ आपको पता है दिन भर अगर आप किसी को वीडियोस और थॉट और ये दुनिया भर के पत्र व्यवहार और मुरलियां ये सब कुछ भेजते रहते हो ना, आप इरिटेशन देते हो, सुख नहीं, इसे सेवा नहीं कहते। आप देखते हैं कभी समाधान स्वरूप ग्रुप में मैं कोई भी पोस्ट डालता हूं
आप बता दो एक भी दिन, मैं जो पोस्ट डालूंगा ना वो एक आधी होगी और वो मीनिंगफुल होगी बस, और वो सेल्फ क्रिएटेड होगी। ऐसा नहीं यहाँ की पोस्ट उठाकर वहां डाल दी, वहां का वीडियो उठाकर डाल दिया, ये दादी जी का क्लास डाल दी, नहीं भाई। किसी के क्लास से, किसी की चीजों से मुझे प्रेरणा मिल सकती है, मैं सुन लूंगा। और जगह बहुत है, हमने वो ग्रुप सिर्फ इसलिए निर्मित किया है कि आप सेल्फ क्रिएटेड कुछ करें वहां पर। जब तक आप दूसरों की चीजों को ही अंदर डालते रहेंगे तो आप खुद कब डेवलप होंगे? मैंने हमेशा आपको प्रेरित करता हूं इसी बात के लिए कि उस ग्रुप में आपको केवल और केवल क्या डालना चाहिए, मेरा आज का अनुभव क्या रहा। हर रोज का कुछ अनुभव होता है स्पेशल, आप सबके अंदर रहता होगा, हाँ या ना? आप हाथ उठा के बताओ। हर रोज कुछ अनुभव रहता है, वो अनुभव डालना चाहिए आपको ग्रुप में। पता है क्यों? शॉर्ट में, एक लाइन में, दो लाइन में, जो विशेष अनुभूति आज आपकी रही है, जो विशेष पुरुषार्थ आप करा है, क्योंकि वो किसी और आत्मा को प्रेरणा देगा। और याद रखना, अगर आपके संकल्प ने, आपके पुरुषार्थ ने किसी आत्मा को प्रेरणा देकर उसकी कमी कमजोरी से मुक्त किया, तो आपको कितनी दुआएं मिलेंगी आपको पता भी नहीं है, कितना खाता बढ़ जाएगा आपका एक ही दिन में। आपको लगता होगा मैं हमेशा कहता हूं वीडियोस में भी कमेंट लिखा करो, उसके पीछे भी मेरा कारण यही है। यदि सच में किसी वीडियो ने आपको अच्छा थॉट दिया, यदि किसी दिन के उसको सुनकर के आपके दिल खुश हो गई और आपने वो खुशी वह कमेंट में लिख दी, तो आप कमेंट पढ़कर किसी और थर्ड पार्टी जहां जहां भी ये मैसेज जा रहा है उसको प्रेरणा मिल सकती है, अरे इनको ऐसा लगा, चलो मैं भी एक बार देख के देखती हूँ। और फिर क्या होगा, अगर उसने एक बार पूरा उसको देखा तो हो सकता है उसको भी उसके लिए चार संकल्प मिल जाए, हो सकता है उसकी भी चार परिस्थितियों पर उसको जीत मिल जाए। सो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम नेगेटिव थॉट्स को बहुत जल्दी से डर के फैलाना शुरू कर देते हैं, अभी कोरोना की कोई न्यूज आ जाए तो पता चला सब फैला देंगे, हर एक को भेज देंगे। अभी फ्रॉड की न्यूज आती रहती है, ये बैंक में ये लूट गया, ये पिन कोड मत बताओ, सबको भेज देते हैं लोग। अरे भाई, वो जब तक नहीं सोच रहा था तब तक नहीं सोच रहा था तुम्हारे भेजने से, वो सावधान तो छोड़ो, पता चला और डरना शुरू हो गया। कभी भी याद रखो, जीवन में डर की न्यूज नहीं फैलाना चाहिए, क्राइम की न्यूज नहीं फैलाना चाहिए। जितना न्यूज को कम स्प्रेड करोगे उतने कम दिमागों को गंदा करोगे, और जितना कम दिमागों को गंदा करोगे उतनी कम नेगेटिव ऊर्जा फैलाओगे वातावरण में। अच्छी न्यूज जरूर किसी को दो, वो भी लिमिटेड, जितनी जरूरी है। कभी कभी अच्छी न्यूज भी नेगेटिव होती, ये भी ध्यान रखना। ये इसी को कहते हैं ज्ञानी योगी तू आत्मा, जो समझ सके किसी भी चीज की अति। एक बात और याद रखना, जब भी कोई चीज आपका संतुलन बिगाड़ दे वो नेगेटिव है। भले ही वो ज्ञान क्यों ना हो, आप ज्ञान में चले हो, आपका ज्ञान में चलना आपके परिवार के लिए सजा नहीं होना चाहिए, सुख होना चाहिए। कुछ आत्माएं अपनी धारणाओं का दिखावा इतना हाईएस्ट लेवल पे करती हैं कि उनका पूरा परिवार त्रस्त हो जाता बेचारा उनसे। नहीं होना चाहिए। आपको 3:30 बजे उठने की आज्ञा है भगवान की, पूरे खानदान को परेशान करने की आज्ञा नहीं है आपको। जिसका संकल्प नहीं है अभी उसको परेशान करोगे तो कल को वो आपके संकल्प से भी कोई शक्ति नहीं लेगा। ये समझना है बस। तो आपको और हमको ये समझना है, चाहे फोन है चाहे कोई भी चीज है, उसका सही उपयोग का एक ही अर्थ है, लिख लो आप बस अपने पास बड़ा बड़ा, किसी भी साधन के उपयोग का सही अर्थ है स्वयं की सेवा और सर्व की सेवा, और सेवा का एक ही अर्थ है सुख। अगर सुख नहीं मिल रहा है खुद को और दूसरों को, वो सेवा है ही नहीं, वो सेवा है ही नहीं, वो बीमारी है, बीमारी। वो एडिक्शन है, ठीक है भाई जी। चल, तो
आज के बाद बस ये तरह ध्यान रखो, फिर देखो आपके सब साधन आपकी सेवा में समर्पित हो जाएंगे और हर साधन आपको जीवन में आगे बढ़ाने का कारण बन जाएगा। हमेशा ना किसी भी साधन को यूज करने से पहले ये देखो, मैं साधन को यूज कर रही हूं या साधन मुझे यूज कर रहा है, इसकी पहचान क्या है। जब मैं साधन को यूज करूंगी तो मेरी मर्जी चलेगी, मेरे को यूज करना है तभी वो यूज होगा, आई ऑर्डर। और जब साधन मुझे यूज कर रहा होगा ना तो क्या होगा, फिर हर वक्त साधन के पास में पहुंच जाऊंगी, फिर मैं हर वक्त साधन के पास पहुंच जाऊंगी, ना चाहते भी टाइम वेस्ट करती रहूंगी। कभी कभी आपने देखा है हल्की फुल किसी भी गर्मी लग रही हो, मैंने देखा है ऐसा कई बार, हल्की फुल किसी भी गर्मी लग रही हो एसी चला लो, एसी ऑन करो, हल्की सी गर्मी है पंखे से भी कंट्रोल हो सकती है, पर वो एसी के इतने आदि हो गए हैं कि नहीं नहीं एसी ऑन कर दो ठीक रहता। तो क्या हो रहा है, साधन मुझे यूज कर रहा है। कुछ कह रहे तेजवीर भाई, एसी चलाकर रजाई उड़ लेते हैं। यही है साधन का यूज करना, बिल्कुल सही कहा आपने, एसी चलाएंगे रजाई उड़ के सोएंगे। अरे भाई तेरे को रजाई उड़नी है, अच्छा चद्दर ओढ़ ले, पंखा चला ले, बिजली बचेगी है ना, इकोनॉमी भी होगी, और जो जो तुम वो रात भर में बिल के पैसे खर्च करने वाले हो किसी शुभ कार्य में लगा दो, जितने पैसे बचाओगे भाई। ये एक शब्द इस्तेमाल होते हैं अपने मुरली में भी होता है, धाम, निर्वाण धाम, सुख धाम, दुख धाम, परम धाम, ये कितने हैं, क्या क्या इनका कहां कैसे है, ये थोड़ा सा डिफरेंस। हाँ, धाम का अर्थ तो घर ही होता है, ये सबको पता है, धाम है ना, तो क्या है सुख, ये जितने भी धाम हैं इनका अर्थ ही सिर्फ एक ही चीज है जो बाबा बताते हैं। सुख धाम क्या है, स्वर्ग है, स्वर्ग को सुख धाम कहते हैं बाबा। अच्छा। परम धाम या निर्वाण धाम, ये परम धाम के नाम है, अलग अलग गुण स्वरूप नाम है सब, ये सब जितने नाम होते हैं ना बाबा जो चीज बताता है, एक्चुअली ये सबके सबके ना गुण और कर्तव्य वाचक नाम है। जैसे अब शांति धाम है, माने जहां पर सदा शांति हो, निर्वाण धाम जहां पर वाणी ना हो, है ना, जहां पर वाणी ना हो तो साइलेंस वर्ल्ड कहते हैं ना परम धाम को, वहां तो आत्मा है, ऑर्गन ही नहीं है, ऑर्गन नहीं इसलिए आवाज नहीं है, तो इसलिए निर्वाण धाम हो गया, है ना। परम धाम यानी कि परम पिता परमात्मा का ऊंचे से ऊंचा धाम, परम माना ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा धाम। इस तरीके से जितने भी नाम है, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक माने सारे ब्रह्मांड का भी सर्वश्रेष्ठ जो लोक है, जहां पर ब्रह्म, जो जहां पर परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है, ऐसे ही सुखधाम है आपके पास में, है ना। तो सुखधाम मानते जहां पे सुख ही सुख हो। अच्छा, सुख कब होगा, एक बार ध्यान देना, सुख दो प्रकार का है, एक सुख वो है जो मेरी योग की स्थिति में सुख है, यानी कि आत्मिक स्थिति का सुख, तो परम धाम का सुख हो गया। लेकिन दूसरा सुख क्या है, साधन सुविधाओं के साथ का सुख, जहां प्रकृति दासी बनकर के सुख देने के लग जाए, वो कहां होगा, सुख धाम में होगा। इसलिए सच्चा सच्चा सुख धाम किसको कहा गया है, उसको। तो जो ये नाम आते हैं, ये नाम उनके संज्ञावाचक नहीं बल्कि गुणवाचक और कर्तव्यवाचक, मतलब ये जगह नहीं है कोई। हाँ, ये जगह नहीं है, ये उस पर्टिकुलर प्लेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यानी कि जैसे इंडिकेशन करते, जैसे कहते ना भाई आप अपने घर हैं, है ना, आदमी घर को घर क्यों कहता है बताओ, मकान क्यों नहीं कहता, है ना, समझिए इस बात को कि घर है, एक तो बोलता ये मेरा घर है, ऐसा थोड़ा होता ये मेरा मकान है, नहीं बोलता, क्यों, घर क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर सुख है, वहां पर संबंध है, संबंध है। मकान तब होता है जब वो बन रहा होता है, बन रहा होता है, जब वो बन रहा होता है उसे मकान कहते हैं, लेकिन जब उसमें हम रह रहे होते हैं, संबंध जी रहे होते हैं, सुख ले रहे होते हैं, तब वो घर बन जाता है, अपनापन आ जाता है। ऐसे ही अभी स्वर्ग बना रहे हैं हम, क्रिएटिंग प्रोसेस में,
लेकिन जब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा? सुख धाम, जहां सुख ही सुख होगा चारों तरफ। ये उसका एक बेसिक मतलब, ठीक है, क्लियर है। तो एक मिनट हम सब साइलेंस में बैठेंगे। किसी का और कोई सवाल, किसी के मन में कोई और क्वेश्चन स्थिति को लेकर? पर आज दिन भर में ये अभ्यास जरूर करना, जो मैंने कहा पर्चियां लगाना अपनी किताबों में, और बिल्कुल मत शर्माना, अपने किचन में सब जगह लगाना। लोग बोले आज क्या कर रहे हो, नहीं मैं आज सोच रही हूँ कि मुझे हर जगह ना ये चीजें याद आना चाहिए, भूल जाते हैं ना हम सारे दिन में, इसलिए मैं अपने आप के लिए चीज कर रही हूँ। छोटे छोटे से पर्चियां लो और हल्के हल्के से स्टेपल करो और हर रोज चेंज करो, मेक इट अ प्रैक्टिस। आप देखना 7 दिन बाद आप कितना अच्छा महसूस करोगे। अपनी हर कमी को एक दिन पेपर पे लिखो कि मुझ में कौन कौन सी कमियां हैं जो मेरे देवता बनने में बाधा है। मैं बार बार बोलता जा रहा हूं उस बात को। और कभी भी देखो, बाबा भी कह चुके वरदान में, परिस्थितियों को गुडलक समझो। प्रॉब्लम आती है ना, उसमें परेशान होना बंद करो। एक शब्द और मैं कहना चाहता हूं। अच्छा आप मुझे खुद बताओ, प्रॉब्लम आई और आप प्रॉब्लम में परेशान हो गए, तो क्या प्रॉब्लम को दूर करने की शक्ति आएगी? तो अब आप बताओ, जब मुझे पता है, अच्छा अब आप क्या चाहते हो? प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, तो प्रॉब्लम को दूर करना है या प्रॉब्लम से खुद को प्रभावित करना है? प्रॉब्लम को दूर करना है। अगर प्रॉब्लम को दूर करना है तो उसे दूर करने के लिए मुझे शक्ति चाहिए ना। और शक्ति क्या कब मिलेगी मुझे? जब मैं प्रॉब्लम को अपने लिए लाभदायक समझूंगी। प्रॉब्लम इज बेनिफिशियल फॉर मी, देन आई विल वेलकम द प्रॉब्लम। तब मैं प्रॉब्लम का स्वागत कर पाऊंगी। और अगर मैंने प्रॉब्लम को समझ लिया कि ये मेरे लिए चैलेंज है, मुश्किल है, डरा, तो मुझे डर लगेगा। देखो अगर दो ही थॉट है, अगर मैं प्रॉब्लम को चैलेंज के रूप में देखूंगी, मुश्किल के रूप में देखूंगी, अपने आप के लिए एक मतलब चुनौती के रूप में, और ऐसे देखूंगी कि भाई ये बड़ी क्या आफत आ गई है टाइप से, अगर वो थॉट जाएगा तो वो मुझे डराएगी। और ध्यान से देखना आप, जब जब आप डरते हैं तब तब आपका मन और आपका शरीर क्या होता है, काम करने की शक्ति गवा बैठता है। आप चेक कर लो। अच्छा आप दूसरा सोचो, अरे वाह ये प्रॉब्लम आई है ना, अब कुछ नया होने वाला है मेरी जिंदगी में, मैं कुछ नया सीखने वाली हूं, मुझे कुछ नया मिलने वाला है, मैं ज्यादा अनुभवी बनने वाली हूं, बाबा मुझे ज्यादा योग्य बनाने वाला है। क्योंकि प्रॉब्लम्स वो माध्यम होती हैं जो मुझे ज्यादा योग्य बनाती हैं, ज्यादा सफल बनाती हैं, दुनिया के समक्ष मुझे अनुभवी बनाती हैं, मेरा मान सम्मान बढ़ाती हैं। क्योंकि जो आदमी जितनी प्रॉब्लम का सामना करके आगे बढ़ता है, उसी के विषय में पूरी दुनिया गायन करती है। आप चेक कर लो, इतिहास के जितने भी हीरो हुए हैं उन सबका गायन आज आप इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने चुनौतियों का सामना करके उन पर जीत पाई। चाहे वो महात्मा गांधी है, चाहे लक्ष्मीबाई है, चाहे भगत सिंह है, मैं एग्जांपल, चाहे वो अब्दुल कलाम है, चाहे मदर टेरेसा, जिन्होंने कुछ अलग करके दिखाया, जिन्होंने चुनौतियों को अपने पर हावी नहीं होने दिया, जो किसी मुश्किल में डरे नहीं, जो सदा जिन्होंने सदा साहस को साथ रखा, इसीलिए आज वे सम्मान के पात्र हैं। तो आपको ये चेक करना है कि यदि भगवान को मेरा सम्मान बढ़ाना हो तो बिना चुनौतियां दिए वो मेरा सम्मान बढ़ाएगा कैसे? चुनौती देगा, मैं उस चुनौती को पार करूंगी खुशी खुशी, तब दुनिया कहेगी क्या कमाल का व्यक्ति है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी इसके जीवन में और देखो कैसे चुटकी में पार कर दिया इसने। और वो कब होगा? जब मैं अंदर से खुश रहूंगी, क्योंकि खुश रहते समय लर्निंग बढ़ जाती है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। ये समझना, ठीक है, क्लियर हुई बात? कल कल किस किस ने बाबा साथ करवा चौथ मनाया और किस किस ने पति के लिए करवा चौथ मनाया? कौन सा पति पति है आपका? है, लेकिन फिर भी बहुतों ने करवा चौथ रखा होगा, मुझे पता है, यही भक्ति मार्ग है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं करना पड़ता है ना, घर परिवार के हिसाब से करना पड़ता है।
हाँ जी कुछ कह रहे थे जी भाई। मैं ये कह रहा हूँ अभी जो लोग इतने दिन से कर रहे हैं वो एकदम कैसे छूट जाएगा, मैं तो मैंने तो लगेगा ना, मैंने कहा ही नहीं छूटने के लिए। मैं तो एक बात पूछा है जैसे ये संगम काल चल रहा है सत्ययुग का और कलयुग का, ऐसे ही भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का संगम चल रहा है अभी। संगम युग भी तो होगा इन दोनों, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम ये चीज है। ये निश्चय पर है ना, किसी किसी को एकदम से निश्चय होगा, कोई कोई उस निश्चय को करने में समय लेगा। यही होता है, जैसे ब्रह्मा बाबा एक धक से स्वाहा हो गया, उसे एक तरफ साक्षात्कार हुआ, एक पल नहीं लगा सारी संपत्ति वंपत्ति सब दे दा करके स्वाहा एक पल में। 400 कन्याएं माताएं जो शुरू में दादियां दीदियां आए, वो क्या हुआ एक पल में स्वाहा, इधर कहा उधर स्वाहा। यही होते हैं संपूर्ण बलि, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यही फर्क होता है, एक होता है जिसका संपूर्ण निश्चय हो गया, उसके लिए एक ही पल चाहिए, समय नहीं चाहिए उसको। उसको पता है भैया आत्मा अविनाशी है, मरती नहीं है, किसके लिए पूजा पाठ कर रहे हो आप, किसके लिए? और अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो कि इनकी लंबी आयु के लिए पूजा पाठ कर रहे हो, तो आप देवीमान में आ गए ना, फिर से आप शरीरों के लिए पूजा कर रहे हो। समझिए आप इस बात को, अरे हम तो किसके बच्चे हैं, कौन बाप है हमारा, ये सोचो। हम आत्मा है, आत्मा तो मरती ही नहीं है, तो आयु तो उतनी बढ़ेगी जितनी डामा में पहले बढ़ी थी। डामा अनुसार आयु फिक्स है, जितना पार्ट है उतना है, ये समझना है। अगर अभी भी हम उनमें फंसे हुए हैं ना, रिचुअल्स में, नहीं करने पड़ते टाइप में, इसका मतलब यह है कि अभी मैंने निश्चय को बहुत अच्छे से नहीं समझा है, भगवान को समझा नहीं अभी मैंने पूरा, अभी मैं प्रोसेस में ही हूं, अभी मुझे डरे नहीं, नहीं कर लेना चाहिए कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। अभी भी आप भक्ति मार्ग के डरे हुए लोग हैं, अगर आप अभी भी भक्ति मार्ग किसी भी रीति रिवाज में है ना आप, तो डर है। अरे असल में भक्ति मार्ग में डराया बहुत जाता है, बहुत जाता है, बहुत ज्यादा। अच्छा कुछ कुछ के मन में ये, अगर मैंने करवा चौथ रखा और कुछ हो गया तो, मतलब करवा चौथ रखने से नहीं होएगा, गारंटी है। अगर ये गारंटी हो जाती करवा चौथ रखने से पति की आयु लंबी होती, तो इतने सारे लोगों की जो मौत साल भर में होती है वो क्यों नहीं टलती? फिर क्या कहते हैं, नहीं नहीं उसने अच्छी भावना से ना किया होगा, इसका क्या स्टैंडर्ड है, कौन सी भावना रखे बताओ, है ना। तो ये सब कुछ इतना कंफ्यूजन। अच्छा बताओ, क्या भगवान ने सुपारी ले रखी है कि ये करवा चौथ नहीं रखेगी तो इसके पति की, इसके पति को मार देंगे, है ना? अब बताओ ना, कोई करवा चौथ नाम की सुपारी है कि भाई ये इस माता बहन ने करवा चौथ रखा तो इसके पति को जिंदा रखेंगे, और इस वाली माता बहन ने करवा चौथ नहीं रखा तो इसके पति को छीन लेंगे। भगवान ने कोई किलिंग वो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है? ये सब इतनी अंधश्रद्धा है, इतनी अंधश्रद्धा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं तो सच बता रहा हूं भाई बहनों, समय नहीं है इन सब चक्रों में पड़ने का, ये समय है बाप के साथ संबंध जोड़कर सच्चा चरित्रवान बनने का, शक्तिशाली बनने का। और याद रखना हम सब आत्माएं हैं, आत्मा कभी नहीं मरती, कभी नहीं मरती आत्मा, है ना? अजर है, अमर है, अविनाशी है आत्मा। उसके लिए पूजा करना नहीं, पड़े रहते चक्रों में, दे दवा दब पूजा, दे दवा दब आरती, ये सब मत पड़ो इन सब चक्रों में। कम से कम आप अगर ब्राह्मण बन गए हो ना, तो ब्राह्मण बनो, ब्रह्मा कुमार मत रहो। ब्रह्मा कुमार बहुत बनते हैं, ब्राह्मण बहुत कम बनते हैं। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा के आचरण को एक्यूरेट फॉलो करे, ब्रह्मा ने शिव को पहचाना, क्या उसके बाद कुछ भी भक्ति की? स्वाहा। अरे भगवान मिल गया फिर भी पता नहीं
किसी किसी की पूजा पाठ में लगे पड़े, इससे पता चलता कितने बड़े अंधश्रद्धालु हैं हम। भगवान मिल गया, शिव मिल गया मुझे डायरेक्ट। देखो कोई आत्मा बेचारी नई नई आई है, 7 दिन की ज्ञान में चल रही है, 10 दिन हुए हैं, महीना भर हुआ है ना, ठीक है उसकी अपनी शक्ति है, सामर्थ्य है। हम सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं और बाबा का मुझे ये प्यार मिला, बाबा का मुझे वो प्यार मिला, मेरा आज बड़ा अच्छा योग लगा, इतने अच्छे अनुभव सुनाते हैं, और फिर जाकर के फिर वही भक्ति मार्ग की दे कीर्तन दे आरती और सब वही चलता रहता है। अभी लक्ष्मी पूजन आएगा दिवाली पर, देखना आप, मैं कल भी बात कर रहा था, उठा उठा के सब गहने और पैसे और बटुए सब रख के और लक्ष्मी जी की आरती और पूजा सब हो रही होगी, और ब्राह्मण भी करते हैं। मेरे को तब देख के बड़ा अचंभा होता है, भाई ये बाबा का बच्चा है क्या कर रहा है, ये गुड़ियों की पूजा में टाइम वेस्ट कर रहा है। आपको ये देखना चाहिए कि मेरा एक्ट जो भी मैं कर रही हूं, क्या वो दुनिया को बाबा का बनने की प्रेरणा देगा? और अगर मैं उस समय वो एक्ट कर रही हूं और कोई मुझे आके देखे तो क्या बोलेगा वो, अच्छा अच्छा आप भी सोच नहीं। सच्ची लक्ष्मी पूजा पता क्या है, लक्ष्य को मन में रख बाप को याद रखना, यही है लक्ष्मी पूजन, तब बनेंगी आप सच्ची लक्ष्मी। आप तो खुद घर की लक्ष्मी हो, आप किसकी पूजा कर रही हो? आप सिर्फ पवित्र बन जाओ, लक्ष्मी तो आपके जो धनरूपी लक्ष्मी तो चरणों की दासी बन के रहेगी सदा आपकी, क्योंकि जहां पवित्रता है बाबा का वरदान है वहां सुख शांति सदा है, सदा। अगर कमी पड़ रही है ना, इसका मतलब मेरी पवित्रता इफेक्टेड है, और पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, बाबा कहते हैं पवित्रता माना जिसके हर कर्म में सेवा समाई हो, जिसके हर कर्म में दुआएं इकट्ठी होती हो, उसे कहते हैं पवित्रता। पवित्रता माना इनोसेंसी, बच्चे जैसा इनोसेंट, इनोसेंट जिसके दिल में बस सबको सुख देने की आती हो, जो किसी से भी घृणा ना करता हो। तब है सच्चा लक्ष्मी। अगर आप इस दिवाली को एक अच्छी दिवाली मनाना चाहते हो ना, मैं आप सबको पता नहीं क्यों बाबा ने ऐसा कहलवा दिया, मेरे को नहीं पता, मैंने कुछ सोचा नहीं था ऐसा कि मैं आपसे बोलूं, बाबा करा रहा है, मैं बस बोल रहा हूं, मेरे शब्द मेरे नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, मेरा कोई इस पर नियंत्रण, मेरे दिमाग में था भी नहीं कि ये कुछ टॉपिक चल जाएगा। बाबा आप में से हो सकता किसी के हृदय की बात कह रहा हूं, तो समझ रहे इस बात को। अगर आप सच्ची दिवाली मनाना चाहते हो ना, तो इस दिवाली पर एक ही पुरुषार्थ करना कि खुद का आत्मा का दिया जलाना और अपने हर संबंधी को फोन करके उसकी आत्मा का दिया जलाना, सबको आत्मा का ज्ञान देना, फोन कर करके ज्ञान देना, यह होगा सच्ची दिवाली आपकी, क्योंकि आपने दिए जलाए। आपकी आत्मा का दीपक जगा है तो आपने कितनों के दीपक जगाए, और किसी का दीपक नहीं जगाया तो इसका मतलब आपका भी टिमटिम आ रहा है, आपका भी ढंग से जगा नहीं है। चेक करो इस दिवाली पे, संकल्प लो, क्या मैं सचमुच में लक्ष्मी जैसी बनी हूं, क्या मैं सचमुच में नारायण जैसी बनी हूं,